नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग एक एबीएस संचालक हैं तो आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों यहां पे डिवाइस को लेकर के जो भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है वह कंफ्यूजन आप लोगों का दोस्तों यहां पे क्लियर होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने यहां पे कमेंट के माध्यम से जो भी एनालाइज किया हुआ है वो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने यहां पे शो करने वाला हूं, जिससे फाइनल रिजल्ट आप लोगों को काफी ज्यादा मिल सकेगा। इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों मैंने अपने दो तीन वीडियो के माध्यम से यहां पे सर्वे किया है, जिसमें लगभग 200 से 300 एपीएस संचालक भाइयों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। लोगों ने यहां पे कमेंट करके बताया है कि आज यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को जो हमारी डिवाइस है वो कितना ऑपरेट हुई है, कितना ऑपरेट नहीं हुई है, ठीक है ना, मतलब कितना डिवाइसें चल रही हैं, कितनी डिवाइसें बंद हुई हैं, वो जायजा आप लोगों के सामने मैं यहां पे रखने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करके जो अपना अतुलनीय सहयोग प्रदान किया है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पे कि डिवाइस में क्या हलचल रही आज के दिन में। दोस्तों देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि एनपीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार 30 सितंबर 2024 से सभी L0 टाइप के डिवाइस को बंद होने का आदेश था, लेकिन आपको पता है कि आज के दो दिन पहले दोस्तों एक सर्कुलर आ गया कि L0 टाइप की मंत्रा डिवाइस बंद नहीं की जाएगी। हाँ, L1 की जो मंत्रा डिवाइस है वो थोड़ा से मॉडिफिकेशन के लिए अभी बैन कर दी गई है, उसे आप लोग ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे मंत्रा सॉफ्टटेक कंपनी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया कि अब आप लोग L1 मंत्रा को भी ऑपरेट कीजिए, L0 मंत्रा को भी ऑपरेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों आज के दिन देखा ये गया, कमेंट के माध्यम से जितने लोगों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने साफ साफ जो रिजल्ट दिया है वो आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों यहां पे काफी सारे लोगों का रिजल्ट ये आया हुआ है, कमेंट इस बात को लेकर के आया हुआ है कि किसी भी टाइप की डिवाइस है, चाहे वो आपका स्टारटेक की हो, चाहे मंत्रा की हो, चाहे मार्फो की हो, चाहे दोस्तों यहां पे सेक्यूगन की हो या आपका फाल्कोन हो, सारी डिवाइसें आज के दिन भी चल रही हैं, कोई डिवाइस बंद नहीं हुई है। लेकिन हां, इसी में दोस्तों देखा जाए तो लगभग 20% लोगों का कमेंट कुछ डिफरेंट टाइप का आया हुआ है। लोगों ने कमेंट करके ये भी बताया है कि उनकी डिवाइस कल तक तो सही तरीके से ऑपरेट हो रही थी, लेकिन आज डिवाइस जल तो रही है किंतु फिंगर कैप्चर नहीं कर रही है, ठीक है। उनका रिचार्ज भी अभी अवेलेबल है, रिचार्ज तो समाप्त हो नहीं सकता है आज के दिन, ठीक है। एक लोगों का नहीं दोस्तों, यहां पे लगभग 20% लोगों का कमेंट इसी बात को लेकर के आया हुआ है कि उनकी डिवाइस जल रही है लेकिन फिंगर कैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो इससे साफ साफ ये पता चल जा रहा है दोस्तों कि कम से कम 20% डिवाइसें जो हैं वो आज के दिन से क्लोज कर दी गई हैं, लगभग 80% डिवाइसें अभी चल रही हैं। तीसरा अपडेट सुनिए जो कि बहुत ही लॉजिकल है, बहुत काम का है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों यहां पे बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए भी कमेंट किया है जिनका रिचार्ज समाप्त हो गया है, वो लोग अभी जैसा L1 का हाल है उसको देखते हुए अभी L0 टाइप की डिवाइस को आगे चलाना चाहते हैं, ठीक है, उनकी इच्छा है, तो वो लोग रिचार्ज जब कर रहे हैं ना तो रिचार्ज के लिए जो रिचार्जिंग अमाउंट है वो फुल अमाउंट नहीं ले रहा है, बल्कि दोस्तों किसी में 50 रुपए, किसी में 60 रुपए, किसी में 90 रुपए, इस टाइप का रिचार्ज अमाउंट से डिवाइस रिचार्ज हो जा रही है। और डिवाइस का जो लास्ट डेट वहां पे दिखा रहा है वो दोस्तों 31 दिसंबर 2024 तक दिखा रहा है। इससे आप लोगों को सिक्योरिटी ये हो जानी चाहिए कि दोस्तों अब कोई सा भी डिवाइस अभी हाल ताज में बंद होने वाली नहीं है। जितना डिवाइस यहां पे आज के दिन में मतलब फिंगर को कैच नहीं कर रही हैं उन्हें तो आप ये मान के चल सकते हैं कि वो डिवाइस आपकी आज से डीएक्टिवेट हो चुकी हैं, वो अब यूज नहीं की जा सकती हैं। लेकिन जो डिवाइस रिचार्ज खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक के रिचार्ज को एक्सेप्ट कर रही हैं, इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है दोस्तों कि कोई सा भी डिवाइस अब यानी कि ऐसी कोई सी भी डिवाइस अब यहां पे बंद नहीं होने वाली है। 31 दिसंबर तक सारी डिवाइसें आपकी अब ऑपरेट होने वाली है। हालांकि मैं ये अपना एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है, जो रिजल्ट आप लोगों के माध्यम से मुझे मिला हुआ है
लोगों मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। कोई ऑफिशियल यूआईडीआई का एनपीसीआई या आरबीआई का गाइडलाइन दोस्तों नहीं आया हुआ है। आपको पता है कि डिवाइस को लेकर के दोस्तों यहां पे पेनियर बाई एप्लीकेशन, स्पाइस मनी एप्लीकेशन बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, किसी टाइप का कोई जवाब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनकी तरफ से इसको लेकर के कोई गाइडलाइन जारी अभी नहीं की जा रही है, जबकि आपको पता है कि इसके पहले दोस्तों पेनियर बाई एप्लीकेशन में भी ये बहुत ज्यादा सर्कुलर आता था कि 30 सितंबर 2024 से L0 टाइप की डिवाइस बंद हो जाएगी, लेकिन वर्तमान टाइम में आप लोग देखेंगे तो वो सर्कुलर भी दोस्तों पेनियर बाई एप्लीकेशन से हट गया है। ठीक है, वही हाल दोस्तों आपका स्पाइस मनी का है। तो अभी इन कंपनियों का कोई विशेष जवाब नहीं आया हुआ है, आगे जो भी जवाब आएगा दोस्तों उसका अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। लेकिन फाइनली देखा जाए तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि कम से कम अभी ये सारी डिवाइसें चलती रहेंगी, कोई सा भी डिवाइस अभी बंद नहीं होने वाली है 20% को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन सारी डिवाइसों को एनपीसीआई यहां पे अभी चला रहा है, इससे एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है दोस्तों कि इन सभी का कारण जो है वो आपका L0 मंत्रा डिवाइस है, यानी कि L0 मंत्रा डिवाइस जो है अभी ऑपरेट करने का यहां पे एनपीसीआई गाइडलाइन दे चुकी है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अन्य डिवाइस की कंपनियां हैं वो भी दोस्तों यहां पे रिक्वेस्ट कर दी होंगी एनपीसीआई से कि जब आप मंत्रा की L0 चला रहे हैं 31 दिसंबर तक तो आप हमारी डिवाइस को भी चलने दीजिए। सो मुझे जहां तक लगता है कि सारी डिवाइसें अब 31 दिसंबर 2024 तक चलेंगी, कोई सा भी डिवाइस आपकी बंद नहीं होने वाली है। तो फाइनली ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आपको अभी कोई सा डिवाइस परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके पास डिवाइस अवेलेबल है वो दोस्तों आप लोग चलाते रहिए। यदि आपका रिचार्ज समाप्त हो जाता है तो जो उसमें रिचार्ज के लिए अमाउंट अभी ले रहा है 50, 60, 70, 80 तीन महीने के लिए, उतना का रिचार्ज आप लोग करके आसानी से अपना काम चलाइए, अभी किसी टाइप का डिवाइस परचेज करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा। अब दोस्तों डिवाइस को लेकर के कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।